मैं इस वक्त लोकसभा सीट मेरठ की पिठौर सीट पर हूँ, जहाँ पे शाहिद मंजूर साहब MLA हैं और इस वक्त प्रचार के लिए आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा के। मैं उनसे बात करता हूँ। और शाहिद मंजूर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले दो चुनाव के मुकाबले ये चुनाव कितना अलग है? पिछले दो नहीं बल्कि पिछले चार चुनाव से चुनाव अलग है। जब से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का वहां पर वो स्थान गिरा था, तब से लोगों का एक मिजाज बन गया था और मुद्दों को छोड़कर ध्रुवीकरण हो जाता था। लंबे समय के बाद इस बार पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं है, और जहां ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा होता था उत्तर प्रदेश में, वहां सबसे कम ध्रुवीकरण इस इलेक्शन में, क्योंकि कई इलेक्शनों के बाद ध्रुवीकरण से मुक्त जो है ये चुनाव होने जा रहा। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के, और पिछले चुनाव के मुद्दों के मुकाबले कितने बदले हैं? देखिए, दो तरीके के मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, तो मैं मानकर चलता हूँ दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है पढ़े लिखे समाज में, जिसको मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना बड़ा घोटाला हो गया, जिसको मालूम है कि देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो चार पांच लोगों के हाथों से जो है वो विदेशों में जा चुकी। वो एक तबका है पढ़ा लिखा जो इस बात से चिंतित है कि देश की जो इकोनॉमी है उसको इकट्ठा करके ये एक हाथों में चंद हाथों में ये भारतीय जनता पार्टी समेट रही है। एक तो वो तबका है, एक वो तबका है जो आम बात को देखता है, वो नौकरी को देखता है, रोजगार को देखता है, रोजाना के अत्याचार को देखता है, एक वो तबका है। इस बार के इलेक्शन में ये सब बात देखी जा रही है कि क्या अत्याचार हुए हैं, क्या किसानों के साथ हुए हैं, क्या महिलाओं के साथ हुए हैं, क्या खिलाड़ियों के साथ हुए। एक वो बड़ा तबका है कि जो इस चुनाव में उन सब बातों पर विचार कर रहा है, और एक तीसरा तबका है जिसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। अभी उन्होंने कहा कि हम इतने करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इतने साल से दे रहे हैं, आगे को और देंगे। तो एक वो तबका भी है कि जो आप अनाज बांट रहे हैं और ये गरीबी रेखा से नीचे वालों को दे रहे हैं, तो क्या भारतवर्ष में 80 करोड़ से नीचे लोग गरीबी रेखा से नीचे, वो सब लोग इस बात को देख रहे हैं। और क्योंकि ये पहले भी मुद्दे थे, लेकिन इन मुद्दों को पहले दबा दिया जाता था ध्रुवीकरण करके, अब के ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे। अगर ध्रुवीकरण नहीं है तो इसका राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? राजनीति में इसका असर, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो स्वतंत्र पत्रकार है या जो निर्भीकता से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनमें एक नाम वो शर्मा जी का भी है, दीपक शर्मा भी का है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड से, और उन्होंने कहा कि 120 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार पार नहीं कर पाएगी। तो ये ध्रुवीकरण ना होने का ही है। एक बार पुलवामा के नाम पर इन्होंने ध्रुवीकरण किया, पहला वाला इलेक्शन में वो तमाम मुद्दे उठाए जो ये पूरे नहीं कर सकते थे, जिनका अब इनको जवाब देना पड़ रहा। अब इनको जवाब देना पड़ रहा कि 15 लाख क्यों नहीं दिए गए, अब इनको जवाब दिया ना पड़ रहा कि रोजगार जो 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार छिन क्यों गए, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, रुपया इन्होंने वादा किया था कि डॉलर के बराबर कर देंगे, अब उस पर भी लोग सोच रहे कि बराबर की तो बात छोड़ो आसमान को छू गया। ये वादा किया था कि हम बिजली मोज देंगे, पानी मोज देंगे, हम आपको किसानों को जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला सामान है, जो मशीनरी है, उसको सस्ती करेंगे। अब किसान सोच रहा है कि सोने पर GST 3% और किसान के ट्रैक्टर पर GST जो है वो 18%। अब सोच रहा है, सब सोच रहे हैं, वो लड़के भी सोच रहे हैं जिनको अग्निवीर से फायदा नुकसान नजर आ रहा, वो लड़के सोच रहे हैं कि सेना की जो परमानेंट भर्ती थी उसमें और अग्निवीर में क्या फर्क है, और 4 साल के बाद हमारे भविष्य क्या होगा, अब वो
वो सब बच्चे सोच रहे हैं। 2019 में आप और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे और याकूब कुरैशी यहाँ से प्रत्याशी थे, इस बार वो बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और उनका मेन फोकस समाजवादी पार्टी उनके टारगेट पे है, ये कितना नुकसान मुस्लिम वोटरों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपकी? देखिए, पहले ही आरोप लगते थे कि MIM, बहुजन समाज पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब ओवैसी साहब MIM ने इस बार हट गई मैदान से, अब रह जाती है आपकी बहुजन समाज पार्टी। मैं ये देख रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले जो आंकड़े हैं, समीकरण है, उनमें वो मदद कर रहे हैं, उनमें वो इजाफा कर रहे हैं। जैसे आप मेरी सीट का यही कर रहे हो, मेरठ पार्लियामेंट का, मेरठ हापुड़ पार्लियामेंट यहाँ का प्ले लीजिए, तो यहाँ कैंडिडेट दिया है इंजीनियर त्यागी। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जो लोग जानते हैं यहाँ पर जाती समीकरण को जानते हैं, तो त्यागी बहुत दिन से, मेरी व्यक्तिगत बात छोड़ दी जाए तो त्यागी बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लेकिन वो इस बार विमुख है। वो पंचायत कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेंगे और उन्होंने अपना कमिटमेंट खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि देश में ठाकुर बिरादरी जो है वो मैक्सिमम ठाकुर बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहती थी। अब इस बार सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी को ऑब्जेक्शन है और कोई विरोध में है और खुल्ला खुल्ला विरोध में, तो वो ठाकुर बिरादरी है, पंचायत करके कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हराएंगे, और उनको मनाने के लिए एक एक दो दो बार जो है मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, राजनाथ जी भी आएंगे, लेकिन वो अभी तक तो मान नहीं रहे। अरुण गोविल जी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें संविधान में बदलाव वक्त की ज़रूरत है, इसको किस तरह से आप देखिए? जो संविधान को बचाने वाली जाति और बिरादरी है या जो हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी RSS की क्या थ्योरी है, क्या इनका प्लान है और क्या इन्होंने 100 साल के पहले ये बात कही थी कि हम 100 साल में भारतीय संविधान को बदल देंगे। कोई नई बात नहीं कह रही गोविंद जी, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए, संविधान को बदलने के लिए तो पूरे देश में सरकारों को बदलना पड़ेगा, सरकारों को लाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए, समाप्ति के लिए तो पूरे देश में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है, खत्म हो सकता है। खालिस उनके कहने से संविधान समाप्त नहीं हो सकता। अरुण गोविंद जी कहे कि संविधान समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। शुक्रिया, ये थे मेरे साथ शाहिद मंजूर साहब, पिठौर के विधायक, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।